रेलवे ठेकेदार बबलू सिंह हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए धनबाद पुलिस ने इसमें शामिल मुख्य आरोपी मनोज सिंह सहित तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 अप्रैल को जोराफुकर थाना फूस बंगला में रेलवे ठेकेदार बबलू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद अपराधी फरार हो गए थे और पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। हत्या में शामिल तीन मुख्य अपराधी मनोज कुमार, राजेश कुमार और रामविलास चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कांड का अनुसंधान दल का नेतृत्व एसडीपीओ सिंधरी अभिषेक कुमार और थाना प्रभारी जोरा पोखर के द्वारा किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में मुख्य तीन अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही तीन हथियार भी बरामद किए गए हैं। हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में हत्या का कारण रेलवे के ठेकेदारी को मैनेज करने को लेकर की गई। बबलू सिंह सिंडिकेट में मैनेज नहीं हो पाया जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। सिंडिकेट के माध्यम से रेलवे के ठेका में उच्चतम बोली लगाकर ठेका मैनेज किया जाता था। बबलू सिंह सिंडिकेट में शामिल नहीं था और निम्न दर पर ठेका हासिल कर लेता था जिसके कारण यह सिंडिकेट नजर में था। इसके पूर्व 2019 में भी बबलू सिंह की हत्या की कोशिश की गई थी लेकिन उस वक्त आरोपी पकड़े गए थे। तीन हथियार जब्त किए गए हैं जिसमें एक 9 mm का पिस्टल, एक 7.65 mm का पिस्टल, एक देसी कट्टा के साथ कई गोलियां और कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं। इसमें दो अन्य अपराधियों का नाम सामने आया है जिसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। दिनांक 2 तारीख को जोड़ापोखर थाना के फूस बंगला में एक रेलवे ठेकेदार की हत्या हुई थी बबलू सिंह की, जिसे जिन्हें गोली मार करके जिनकी हत्या की गई थी। कांड का अनुसंधान दल का जो नेतृत्व है वो एसडीपीओ सिंदरी अभिषेक और थाना प्रभारी जोड़ा पोखर के द्वारा किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में जो मुख्य तीन अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और साथ साथ तीन हथियार बरामद हुए हैं। अभी हम लोग इसको फॉरेंसिक्स भेज रहे हैं कि इसी हथियार से हत्या हुई है या नहीं हुई, लेकिन जो जिस कैलिबर की गोली मिली है उसी कैलिबर की गोली से ठेकेदार की हत्या की गई थी। अभी तक जो हत्या का कारण पता चला है कि रेलवे ठेकेदारी का ये मामला है, ठेकेदारी को मैनेज करने का मामला है। इसमें एक ग्रुप पता, जब हम अनुसंधान के क्रम में पता चला कि एक ग्रुप है जो सोकॉल पैक्टर कहलाता है, वो पैक्ट करवाता है यानी कि जो ठेकेदारी को मैनेज कराता है, और जो जितने भी ठेकेदार थे वो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे, एक तरह से सिंडिकेट बना हुआ था। उसी सिंडिकेट के द्वारा सारी ठेकेदारी ली जाती थी, लेकिन ये जो बबलू सिंह है वो उस सिंडिकेट से अपने आप को नहीं जोड़ा था, और लोगों ने कई बार प्रयास भी किया था पूर्व में, और उस हिसाब से ये क्योंकि वो लोग एक ग्रुप बना करके एक पर्टिकुलर टेंडर को हाई रेट पे लेकर के फिर उसकी बंदरबांट करते थे पैसे की। ये उससे जुड़ा हुआ नहीं था जिस कारण से ये लो में टेंडर डालता था, उसको टेंडर मिल भी जाता था। पूर्व में इन लोगों ने कोशिश की थी, 2019 में भी बबलू सिंह के ऊपर पर गोलीबारी हुई थी, बम चला था, उस वक्त भी इन लोग पकड़े नहीं गए थे। लेकिन अभी कांड का मेटिकुलस ढंग से अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने जो मुख्य तीन अपराधकर्मी थे रामविलास, ये तीन लोग पकड़े गए हैं, जिसमें रामविलास जो है वो आजमगढ़ का रहने वाला है। हमारी टीम इस अनुसंधान के क्रम में बिहार और यूपी हर जगह गई और हमें यूपी पुलिस का बहुत इसमें सपोर्ट भी मिला। बाद में फिर ये लोग को हम लोग अलग जगह से पकड़े, हम लोग जब इनके बारे में सारा खाका प्राप्त हुआ, जब सारा कुछ पता कर लिए, तब हम लोग इनकी गिरफ्तारी कर पाए हैं। तीन हथियार मिले हैं, एक 9 mm का पिस्टल, एक 7.65 का पिस्टल और एक देसी कट्टा, और कई गोलियां मिली हैं, साथ में मोबाइल और कुछ पैसे इनके पास से हम लोगों ने बरामद किया। ये क्या पेशेवर अपराधी है? पेशेवर अपराधी हैं क्योंकि इनका एक टिपिकल रोल है कि अगर कोई ठेकेदार इनके थ्रू नहीं जाता है तो पहले ये धमकी देते हैं, फिर उनको अगर धमकी से नहीं माना तो उसके ऊपर बम गोली चलाया जाता है, फाइनली अगर नहीं माना तो सर गोली कौन चलाया था, तीनों का क्या क्या रोल है? देखिए, तीनों जो लोग तीनों पकड़े गए हैं, मनोज के पास से हम लोगों ने हथियार बरामद किया है जिस हथियार से गोली चली है, और ये तीनों घटनास्थल पे थे, घटनास्थल के ही आसपास थे। इन लोगों ने पहले रेकी किया, रेकी करके फिर इसके इसकी हत्या की है। इस कांड में अन्य अपराधकर्मी भी, और 2 अपराधकर्मी का नाम सामने आया है जो शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, लेकिन हत्या में ये लोग तीनों शामिल थे।
अभी मनोज जो है वो मेन सिंडिकेट, इन लोगों का मेन कॉन्स्पिरेटर था, सब सारा इंतजाम उसी के द्वारा किया गया था और जो अभी पकड़ा गया है। बाकी इन लोग दोनों का हायर किया गया है, जो रामविलास है उसके उसकी भा उसका भाई भी यहीं रहता है, काम करता है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो मनोज ने गोली चलाई, अभी गोली उसने चलाई थी, जो लोग गोली चलाया है, हम लोग अभी आपको सामने सब कुछ नहीं बता रहे कि किसने गोली चलाई थी, कैसे गोली चलाई थी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो मनोज का, लेकिन हाँ वो अपराधकर्मी जो थे उसके पास से वही हथियार बरामद हुआ है जो गोली चला था, और इन लोग गोली चलने में शामिल थे। सिंडिकेट इन्हीं लोग का एक ग्रुप है जो उस इलाके में ठेकेदारी करता, रेलवे हर एक उस ठेकेदारी में ये लोग पैक्टर के नाम से जाने जाते हैं, कि ये लोग पैक्ट कराते हैं लोगों के बीच में, ठेकेदारों के बीच में। ठेकेदार जो सिंडिकेट जो चलाते हैं उसमें से कोई है इन तीनों में रिश्तेदार? हाँ, वो ये जो मनोज है, मनोज सिंडिकेट, ये ऐसा है कि एक ग्रुप है जो ग्रुप डिसाइड करता है कि भाई ये किसको देना है। आइदर वे पांच ठेकेदार हैं उसमें, उसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो पांचों में से एक को मिलेगा, बाकी चार को कुछ कट मिल जाएगा। ये डिसाइड ये ग्रुप करता था, जिसमें मनोज वन ऑफ द उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता था। ठीक है।